नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दो दिन पहले हुई भैंस चोरी, आज ग्रामीणों ने पशु मेले से चोरी हुए व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ा। दोनों को किया गया पुलिस हिरासत में। औरैया जिले के फम्फू थाने के अंतर्गत ग्राम माखनपुर में दो दिन पहले हुई भैंस चोरी का आज ग्रामीणों ने काफी मेहनत कर चोर एवं व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ा। माखनपुर के अशोक कुमार पुत्र राम सिंह जिनकी भैंस दो दिन पहले चोर चुरा ले गए थे, जिसकी सूचना फम्फू थाने में दी थी। अशोक कुमार की मेहनत से भैंस बरामद कर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। जब ग्रामीणों ने व्यापारी से पूछा तो व्यापारी ने बताया कि मैंने 30,000 रुपए में खरीदी है, मुझे नहीं पता था कि यह भैंस चोरी की है। देखिए सत्य प्रकाश वाजपेयी की खास रिपोर्ट। चलो आपसे छोड़ दो, अब तुम हमें क्या बताओ, तू तो रिश्तेदार है, तो बात तुम पकड़े हो आज रात? आज रात पकड़ा ही नहीं, हमें कहा थी पकड़ाई नहीं है। तो अभी कितनी देर पहले कह रहे थे कि मतलब इनने जी वैक्सीन ऑर्डर कर रहे हो, तुम ये मतलब इनका नहीं है दोस्तों, मतलब कक्का बब्बा नन्ना कोर्ट में तुमने बात करी है भैया, बढ़िया बिक रही है। जिसके हाथ में डोरी होते हैं वो मेन चोर मान लो, ठूंटा मिली बात का लेना। अब तुम जाकर आते बाने फोन करो, अब जे का तुमने फोन करो, तुम बात ही बात करी थी बिक रही है। बात ऐसी सुनो मेरी बात, अगर तुम सही बताइए हो तुम्हारे पास धन दिया बात सही बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, जे अपनी बात तुमसे कह रहे हैं तो इनके पास इतने पैसे लाई इनने, तुम लेकिन तुम फंस रहे हो आज तारीख में तुम फंस रहे हैं। तो तुम अब जा बताओ ना कि भैंस जा बेट तुमने चोरी कराई कि बेट तुम्हारे यहाँ आए चोरी कर, चलो भाई चोर लिया, और तुम्हें उन्हें पता कैसा लगा भैंसे बधी है गाँव में या फिर कोई सामने और है आस पास आज जात रात है। तुम दिखा रहा, तुमने वैसे छोड़ी हम इनको, मतलब हम आज रात है दिखवा रहा था चोरी आसानी से कहाँ हो सकती है, ये है इनका मकसद भैया। अब यह बताओ कि जब कौन कौन शामिल है, किन्हें बुलाए, बहन हुई है क्या? हम बाकी बाकी बहन हुई है बेटी चोट के, हम कसम माने बहन दोनों निखर के अपने आराम करते खींचा किया हमका बताए ईमानदारी, हमको व्यापारी जो हमने पैसा दिया हो चले आए, हमें क्या लेना देना, खुलती राम जाएगा 2 बजे करीब हम उसको कह जाने घर यार, घर तो हमने लड़के भेज दिए थे पकड़ने के लिए, अब घर से हम लेंगे भैया, घर से लेंगे हमें जरूर लिखा माते की चोरी है ये पैसा दिया गलती नहीं भैया, आपको तो कोई बेच सकता है। अब हमने पड़िया बाजार में उतारी तो भैया साथ में होते हो पूरनपुर के फतेहपुर के चच्चा नातेदार है, बोले कि नहीं हमने कहा बात है कैसे घूम रहे के यार पढ़िया लेना है, हमने कहा बात ऐसी तो देखे हम लोग, हमने कोई भी बात हो हमें बताओ कि नहीं कोई बात नहीं, चज्जे आ गए ये खड़े रहे मेरे पास, भैया था छोटा था हमने पढ़िया नहीं करी, अगर कोई लफड़ा है तो हमें बताओ, हमने ये 30,000 की ली थी बताया 30,000 200 रुपए और ले गए ले लिए पैसे दे के चले आए, भैया का जैसा मसला कोई टेंशन नहीं,
तुम समझो कैसे पहुंचे, हमें तो मालूम कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे ना मैं बता कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे आज जान रहा जा कह रहे नंबर नहीं है फोन से बात बताओ बताओ अरे ना बता अपनी बात बता बताए देव आपको कहाँ है कौन कौन है बताए देव भैया नहर में ढूंढा मैं लेडी साधन बैठी थी चढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल मैन से गायब हो गए औरत जात कैसे हो सकते थे पूरी बात वो आदमी जैसे अकेले उधर रुक गए थे लेडी साधन को कैसे रोक के लिए तुम अपनी पूरी बात बताओ कैसे गई इनने गई इसलिए रोक बड़ी हो जो हमारे पास भैया खुलता है हमें हमारा फोन करो भैया तो इनने फोन करो भाई रिश्तेदार तो ठीक एक काम करो भैया फोन करो हमारा इनसे ना इनसे ना स्क्रीन आ बात मान तो घर पे आ जाओ फोन हमारे पास बाबू नंबर नहीं है तुम मन का कर गए ना जब बैसे तुम करता पाता इन्हीं लोगों ने हमें बुलाया नहीं भैया पलिया बिक रही आ जाओ ले जाओ आज भैया ना हो तुम तुम भैया यहाँ ना यहाँ ना हो तुम तो हमने देखा भाई भैया है बीमार तो हमने चलो भाई चले जाए तो हम गए जब तुम सुनी जाए देख जाए तो हमने भैया बीमार थी ना खुदा ही बोलो तुम गए तुम जा खाते कि बैठे साली बीमार हो तो झूठ क्या बोले तुमने देखा ना तुम पहुंचे फिर मुंडा ने बोला तुम बीमार है तो फिर इंतजार करो बाबा का मन रहा दादा क्षेत्र में आने जाना अभी सवाई से माने पत्र बताइए ऐसे ऐसे मैं से आए नहीं जा नहीं आने कल बीमार हो मेरी हां जा गई हमारी ऐस जा गए बीमार हम बैठे हैं तो हमने ठीक है जाए इतनी बात हो गई नहीं ना भैया बनाया